नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी राजेश पड़गोत्रा के पक्ष में केंटपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मतदाताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की मतदाताओं से अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत हासिल करेगी और अगली सरकार बनाएगी। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्ज़ाम लगा था कि हम सरेंडर मिलिटेंट्स का इस्तेमाल अपने इलेक्शनों में कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो फिर अगर वो हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं तो क्या बुरी बात क्या है? कहीं ना कहीं तो बीजेपी कन्फ्यूज है, इसलिए वो बाकी मुल्क में ये कहती है कि यहाँ आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का सुरवार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आके कहते हैं कि ये तीन परिवार जो हैं यहाँ आतंकवाद के लिए कसूरवार हैं। वो पहले ये तय करें कि ना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कसूरवार है कौन, फिर हम आगे बात करेंगे। कविंदर गुप्ता ने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं वो ओजीडब्ल्यू और मिलिटेंसी को बढ़ावा दें। कविंदर गुप्ता साहब अपनी सीट बचाएं, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। सर अब आप लोगों को क्या फिक्र है ना पीएजीडी से, वो तो आप हम पे छोड़ दीजिए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 8 अक्टूबर को अपनी मेजोरिटी आ जाएगी।